भगवान श्याम के साथ में लौटकर सभी ग्वाल वाल जैसे ही ब्रज में आए, इंद्र को खबर की है देवर्षि नारद ने कि आपका पूजन छुड़वा करके श्री गोवर्धन का पूजन कराया है। ब्रज में दो छोरे हैं, कृष्ण और बलराम। इंद्र जो थे नाराज हो गए। उसी समय इंद्र ने काले पीले नीले सफेद बादल बुलाए, बड़े ही क्रोधित हो गए और कहा, जाओ वृंदावन पर जाकर के मूसलाधार वर्षा करो, जो वृंदावन बहकर के काली जय में चला जाए। भैया काले पीले नीले सफेद बादल चले और वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा हो रही। नंद बाबा ग्वाल बाल आए और कन्हैया से बोले, श्याम देखो मैंने पहले ही कहा था, ये माला का सम्मान जो है रुचि बेटी, ये माला का सम्मान रुचि बेटी जो है कर रही है। भगवान सदा सुखमय जीवन दे, सदा आगे बढ़े, ईश्वर से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। जोर से जयकारा लगाए पीछे सभी लोग। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कन्हैया से बोले, नंद बाबा मैंने पहले ही कहा था, इंद्र नाराज हो जाएंगे, जल की वर्षा नहीं करेंगे, अब क्या होगा, ब्रज की रक्षा कैसे हो। तो कहा, चिंता ना करो, जिन गोवर्धन महाराज का तुमने पूजन किया भैया तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। तो भगवान श्याम सभी ग्वाल वालों को लेकर के चले सज्जनों, और श्री गोवर्धन महाराज के पास में पहुंचे। भगवान ने श्री गिरिराज महाराज को उठाया, इकन्नी अंगुली पर धारण किया, सभी ब्रजवासियों से कहा, भैया आ जाओ सब लोग इसके नीचे। तो सारे ब्रजवासी इसके नीचे आ गए। क्या किया भगवान श्याम ने, नख पे गिरवर लियो धारी, कन्हैया मेरो पारो, नख पे गिरवर सहायता कर रही है। अरे आप लोग तो बाड़ी से ही सहायता कर ले भगवान की। बोलेंगे ताली बजाते हुए भाव से बोलेंगे, वो नख पे गिरवर लियो सहायता करो ना। लाला की नरम कन्हैया, यति मुड़ी ना
गिरबर रहे धरी लीनो सात रात वर्षा हुई लेकिन वृंदावन में धूल ही उड़ती रही। इंद्र को